अहम खबर यह है कि मोटरवेज ज्यादती केस है, मुलजिमान ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। मुलजिमान की जानिब से हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और मुजरिमान की अपील में सरकार मुदई मुकदमा सरदार शहजाद को फरीक बनाया गया है। मुजरिमान की जानिब से कासिम अराई एडवोकेट समेत दीगर ने अपील दायर की है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 25 के तहत ये अपील दायर की गई है। मोटरवे पर खातून ज्यादती का वकुआ 9 सितंबर 2020 को पेश आया, मौकफी अपनाया गया है। एटीसी ने 20 मार्च 2021 को सजा सुनाई। मुजरिमान आबिद मली शफकत एफआईआर में नामजद नहीं थे, मौकफी अपनाया गया। अहम खबर यह है कि मोटरवेज ज्यादती केस है, मुलजिमान ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। मुलजिमान की जानिब से हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और मुजरिमान की अपील में सरकार मुदई मुकदमा सरदार शहजाद को फरीक बनाया गया है। मुजरिमान की जानिब से कासिम अराई एडवोकेट समेत दीगर ने अपील दायर की है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 25 के तहत ये अपील दायर की गई है। मोटरवे पर खातून ज्यादती का वकुआ 9 सितंबर 2020 को पेश आया, मौकफी अपनाया गया है। एटीसी ने 20 मार्च 2021 को सजा सुनाई। मुजरिमान आबिद मली शफकत एफआईआर में नामजद नहीं थे, मौकफी अपनाया गया।